राजस्थान की राजनीति में विधानसभा बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। ऐसे में शुक्रवार को बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान खूब हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक शंकर सिंह रावत ने एक मांग करते हुए अलग ही मुद्दा उठा दिया। शंकर सिंह रावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग की। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग की और इसके पीछे रावत ने तर्क देते हुए बोले कि जब इंदिरा गांधी नहर नाम रखा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रखा जा सकता। ईआरसीपी तो पीएम नरेंद्र मोदी ही लेकर आए हैं, फिर उनके नाम पर क्यों नहीं रखा जाए। सुनिए रावत ने क्या कुछ कहा। जो ईआरपी जो लिखा है ईआरसीपी का, ये ईआरसीपी का नाम पूरा नाम क्या है? इस वजह से इस नाम को संशोधन करके नरेंद्र मोदी योजना का नाम रखा जाए, मेरी मांग है। ये एक बात का जवाब दे मंत्री महोदय। और दूसरा मेरा ये है कि ये जो ब्यावर जिले में काश्तकारों के लिए पानी की आवश्यकता है, आप ब्यावर जिले में पानी देंगे? मेरे को सवाल पूछने दो। पूछो सवाल। अगर मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, सुझाव बाद में देना। क्या आप इसको नाम ये रखोगे? और दूसरा, ब्यावर जिले में पानी, क्या ब्यावर जिले में पानी कहाँ से किस रास्ते से दोगे, ये आप जल्द बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ब्यावर से आने वाले माननीय वरिष्ठ विधायक को बताना चाहता हूँ, सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि ईआरसीपी का जो नाम है वो पूर्वी रास्ता नहर परियोजना है। और जहाँ तक ब्यावर जिले को एआरसीपी का पानी देना है, इसके लिए हमारे जो संशोधित पीकेसी योजना के अंतर्गत अजमेर जिले में पेयजल हेतु बिशलपुर बांध निर्भरता कम करने के क्रम में अजमेर जिले में ही मोर सागर में एक बड़ा कर्सिम बांध भराव क्षमता लगभग 200 एमसीएम घन मीटर बनाया जाना प्रस्तावित है। ये बांध एक बार भरने पर अजमेर शहर आसपास के क्षेत्रों की 2 साल तक प्यास बुझा सकता है। अजय मुझे मैंने नाम का पूछा था कि ये इंदिरा गांधी परियोजना से रखा है, क्या नरेंद्र मोदी के टाइम में हो रहा है? नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं होगा, इसका जवाब दे। इस दौरान अजमेर और ब्यावर जिले को ईआरसीपी से जोड़ने की योजना को लेकर भी विधायक रावत ने सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सदन में जवाब देते हुए बोले कि अजमेर शहर के लिए हम एक बांध का निर्माण कर रहे हैं। ये बांध एक बार भरने पर अजमेर शहर समेत आसपास के इलाकों की 2 साल तक प्यास बुझा सकता है। हालांकि आरसीबी का नाम बदलने की मांग पर मंत्री ने मुस्कुराहट के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें, प्रदेश के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर करने के लिए आरसीबी को संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना में शामिल कर भारत सरकार और मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भी साइन हो चुका है। ये समझौता बताता है कि दोनों राज्य पानी को शेयर करेंगे, एक दूसरे को पानी पहुंचाएंगे। प्रोजेक्ट की लागत तीनों केंद्र शेयर करेंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी ईआरसीपी बड़ा चुनावी मुद्दा था। भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही इस योजना की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।